नमस्कार, मैं आयुषी शर्मा आपका स्वागत करती हूं केकेआर न्यूज़ में। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। विदिशा जिले से 60 किलोमीटर दूरी पर ग्राम पंचायत नेगमा पिपरिया के कथरी गांव में शहडोल से आए हुए मजदूर 2 महीने पहले फसल कटाई के लिए आए थे, जो कि वापस अपने घर शहडोल में जाकर डॉक्टरों की टीम ने जब उनको चेक किया तो मोनिका बेगा पिता श्यामलाल बेगा पॉजिटिव पाए गए। जब इसकी सूचना प्रशासन को मिली तो आनंद फानंद में स्वास्थ्य टीम और पुलिस प्रशासन खन्नी गांव पर पहुंचे। वहां जाकर जिन लोगों से संपर्क कर रहे थे और जिन लोगों के यहां काम कर रहे थे यह मजदूर, उन परिवारों के सैंपल लिए गए और जो ड्राइवर छोड़ने गया था शहडोल व बरेट का रहने वाला था उसका भी सैंपल लिया गया। सैंपलों को भेजा गया और स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में घर घर जाकर स्वास्थ्य परीक्षण कर रही है। वहीं गांव को पूर्णतः लॉकडाउन कर दिया गया है। यहां पर सीएमएचओ ने जाकर निरीक्षण किया। वहीं तहसीलदार यशवर्धन सिंह द्वारा भी गाँव के लोगों को समझाइश दी गई। देहात थाना TI ब्रजेश मस्कोले द्वारा गाँव में सुरक्षा के इंतजाम कर दिए गए हैं। जिला विदिशा से पत्रकार बलराम मेहता की रिपोर्ट, KKR न्यूज भोपाल। हमारे यहाँ ग्राम पंचायत नेगमा पिपरिया के ग्राम कचरी में हमारे 22 तारीख को यहाँ से मजदूर जो है जिला शहडोल के लिए निकले थे, उनमें से मोनिका बेग नाम की लड़की का सैंपल लिया था, जो परसों शाम को रिपोर्ट आई है कि उसका ब्लड सैंपल जो है पॉजिटिव पाया गया है। इस चक्कर में पूरा हमारे कचरी ग्राम को प्रशासन ने पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया है और ज़िले की और तहसील की पूरी टीम ने जाके गांव का निरीक्षण किया। स्वास्थ्य विभाग ने पूरे ग्राम का परीक्षण किया है, जिसमें कुछ लोगों का सैंपल लिया गया है और ड्राइवर जो उनको छोड़ने गया था उनका भी सैंपल लिया गया है। और गाँव में ना कोई बाहर जाएगा ना कोई अंदर आएगा, पूरे गाँव को लॉक और सील डाउन कर दिया है। इससे ग्रामीण क्षेत्र में कोई दिक्कत नहीं।